हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ देखने वाले हैं अनबॉक्सिंग ऑफ रेडमी वाई टू। दोस्तों, रेडमी वाई टू मैंने कुछ amazon.in पर से मंगवाया है। अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप ले सकते हो। दोस्तों, देखते हैं इस फोन के अनबॉक्सिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, उसके पहले मैं इसके कुछ बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। तो बॉक्स के सबसे पहले ऊपर देखें तो कुछ रेडमी वाई टू का जो सिंबल है वो लिखा गया है, और नीचे बाय साइड में लिखा गया है, और MI का जो सिंबल दिया है, और इस साइड रेडमी वाई टू लिखा है, और इस साइड कुछ फ़ोन की कुछ प्राइस वगैरह लिखी गई है। तो प्राइस कुछ 10,499 रुपीज़ की है, बट आपको ये फ़ोन 10,000 में मिल जाएगा। दोस्तों, यह कुछ इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में बात की है। तो दोस्तों, इस साइड की बात की जाए, इस साइड पर कुछ नहीं है, और पीछे की बात की जाए, बॉक्स के जो पीछे की बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले यह रेडमी वाई टू लिखा है, उसके बाद कुछ यहाँ 16MP जो LED प्लस के साथ जो सेल्फी कैमरा है उसका कुछ 16MP मिलने वाला है, विथ आपको जो रियर कैमरा है 12MP और 5MP ड्यूल कैमरा आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ एक कैमरा पोर्ट्रेट मोड के लिए दिया गया होता है, और देन देखे तो स्क्रीन की जो साइज बोले तो 15.2 सेंटीमीटर और इंच में 5.99 HD प्लस स्क्रीन फुल स्क्रीन डिस्प्ले विथ 18:9 एक्सेप्टेशन रेशियो के साथ आपको स्क्रीन मिल जाती है। और दोस्तों, इसकी कुछ प्रोसेसर की हम बात की जाए, कुछ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 विथ 14 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ ये फोन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये फोन कुछ ड्यूअल सिम और ड्यूअल स्टैंड बाय के साथ, और साथ ही में आपको WCDMA GSM और जो एक्सेट्रा आपको सपोर्ट करता है LTE वगैरह वो सब चीज़ें इसमें दी गई है। इसमें अच्छी है कि ड्यूअल नैनो सिम विथ प्लस आप SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स की दो सिम भी यूज़ कर सकते हो, और एक्सपेंडेबल SD कार्ड, मीन्स की एक ही स्लॉट में तीन चीज़ें दी गई है, दो सिम और SD कार्ड। बैटरी की बात की जाए तो 3080 mAh कुछ इसकी बैटरी दी गई है, और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ विद फेस अनलॉक भी इसमें दिया गया है, वो चीज़ भी इसमें अच्छी अच्छी है कुछ। तो इसकी कस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो MIUI 9 है, और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ MIUI 9 मिल जाता है वो तो सब MI में सेम ही आता है। सो ये कुछ मैंने 3GB 32GB ये फ़ोन मैंने मंगवाया है, और इसकी जो कलर की बात करें तो गोल्ड कलर का आपको मिल जाता है, और इसका दूसरा वेरियंट है वो कुछ 64GB का जो इसका दूसरा वेरियंट है, कुछ इस तरह से ये कुछ मेड इन इंडिया। सो मेड इन इंडिया मीन्स कि ये फोन मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया में होता है, बाकी पार्ट्स वगैरह तो चाइना से ही आते हैं, ओनली फॉर असेंबल इंडिया में होता है, इसलिए इस पर मेड इन इंडिया का सील एक बार आप ओपन कर दे दो उसके बाद ये फोन वापस नहीं कर सकते हो। तो कुछ इसको ऑलरेडी मैंने सील वगैरह ओपन किया हुआ ही है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बॉक्स ओपन करने की बात करूँ, तो सील जब ओपन कर दे कुछ इस तरह से आपको इजीली इस तरह से इसकी अनबॉक्सिंग करते जो आपको फोन नजर आता है रेडमी वाई टू, इसके डिस्प्ले पर जो रेडमी वाई टू का जो स्टिकर लगा हुआ है वो कुछ इस पर दिखाया गया। उस पर मैंने जो बॉक्स कंटेंट की बात की वो सब 16MP 12 प्लस 5MP ड्यूअल कैमरा प्लस स्क्रीन रिजोल्यूशन दिखाया गया है। तो दोस्तों, फोन को साइड में रखते हैं, बॉक्स कंटेंट की बात करें, बॉक्स के अंदर की बात करें तो सबसे पहले मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ, तो यहाँ कुछ डेटा केबल और चार्जर दिया गया, और डेटा केबल के नीचे जो आपका जो सिम कार्ड का जो स्लॉट, सिम कार्ड और जो SD कार्ड है उसका स्लॉट निकालने का जो पिन होता है वो कुछ दिया गया होता है। और दोस्तों, चार्जर पर यहाँ आप देख सकते हैं सारा में एडाप्टर पावर और कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है 100 to 240 watt विथ 50-60 Hz में भी चलता है, और 0.35 ampere और आउटपुट इसका कुछ 5 volt इक्वल टू 2 ampere दिया गया है। तो कुछ ये मेड इन इंडिया चार्जर पे भी लिखा गया है। और दोस्तों, डेटा केबल तो आप सभी को पता ही होगा, कुछ इस तरह से ये जो ये सब चीज़ें दी गई है, और नीचे कुछ खास नहीं गया दिया नहीं गया है। दोस्तों, इसके अंदर की बात करें तो सर दोस्तों इसकी एक चीज़ अच्छी है कि फोन के साथ आपको एक केस मिल जाता है
जो वाइट कलर का जो कि बिल्कुल फोन को अच्छी तरह से सूट करता है वो चीज अच्छी है। दोस्तों फोन के जो अंदर की बात कर दो, कुछ मैनुअल वगैरह दी गई वो तो आप लोग कभी पढ़ते नहीं होंगे। इसकी मैनुअल वगैरह तो ऐसे दी गई है, इसमें वारंटी वगैरह भी होती है, बाकी मैनुअल का कुछ ज़्यादातर काम नहीं होता है, कोई मैनुअल तो पढ़ता ही नहीं है जनरली। सो अब बॉक्स की बात हो गई, अब सबसे पहले मैं फ़ोन को ऑन करूँ और सेटअप वगैरह कर दूँ फटाफट से। तो पीछे साइड कुछ आप माइक्रो एसडी नैनो ड्यूअल नैनो सिम लगा सकते हो, उसका कुछ यह सिंबल और स्टिकर वगैरह दिया गया है जिससे आप इजीली कैसे लगाना है वो देख सको। फटाफट से इस फोन का मैं सेटअप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने फ़ोन को टोटली सेटअप कर दिया है, सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर सेट करना बाकी है, वो कुछ आप देख सकते हो। मैं यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर सेट कर रहा हूँ, लॉग इन पासवर्ड ऐड फिंगरप्रिंट जो मैंने पिन रखा था सब कुछ, या आप फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो। सो इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही स्पीडली वर्क कर रहा है, मैंने एकदम स्पीडली वर्क किया था, आप देख ही सकते हो। और फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने एक ऐड कर ली है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का जो स्पीड देख सकते हो अच्छी स्पीड है, देख सकते हो बहुत ही अच्छी स्पीड है फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह की। सो इस फोन की अबाउट सेक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ आपको 8.1.0 एंड्रॉइड ओरियो सिस्टम के साथ मिल जाते हैं और MIUI 9.5.9 मिल जाते हैं, और दोस्तों जल्दी आपको MIUI 10 का अपडेट आ ही जाएगा। सो इसकी फ़ोन की मैं एक और गेस्चर की बात करूँ तो आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले पर क्लिक करके आप फुल स्क्रीन गेस्चर आप यूज़ करना चाहते हो या यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ आपको बटन वगैरह नहीं दिखाई देगा, आप देख सकते हो बटन अभी चले गए। दोस्तों इस सेंसर के साथ आप फ़ोन यूज़ करना चाहते हो तो इस साइड से कुछ आप बैक जा सकते हो और इस साइड से जो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ करने हैं वो वगैरह सब इस सेंसर के साथ मिल जाता है। दोस्तों ये सेंसर भी कुछ अच्छा है, और आप वापस से बटन लाना चाहते हो तो यहाँ सेटिंग्स में जाकर फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाकर बटन्स पर क्लिक करके आप बटन्स को वापस ला सकते हो, तो ये चीज़ कुछ अच्छी है। दोस्तों इसके कैमरा की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसके कैमरा की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो देख ही सकते हो आप, मैंने एकदम से पिक क्लिक किया फिर भी कुछ अच्छी ही क्वालिटी है। एक और फोटो क्लिक करके देखता हूँ, देख सकते हो इसके कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जूम करके भी आपने देखा। कुछ ये फ़ोन जो 10,000 मिल जाता है वो उसके प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स वगैरह मिल रहा है वो बहुत ही अच्छे हैं, और पोर्ट्रेट मोड में आप देख सकते हो
तो आप पोर्ट्रेट मोड में देख सकते हो साइड का जो ब्लर हो गया है, जो ब्लरिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छी है, जो इसी प्राइस में ये फोन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। हम देख सकते हैं और शॉर्ट वीडियो वगैरह की बात करें तो सभी चीज़ इसमें अच्छी है। सो ऑल ओवर मैं बात करूँ इस फोन के प्राइस के हिसाब से, इसके 10,000 रुपीज़ में इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए वो बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए गए। और जो कैमरा रिव्यू की मैं बात करूँ तो कैमरा आपके सामने ही, मैंने इसको पिक वगैरह मैंने क्लिक करके दिखाया था, बहुत ही अच्छे कैमरे की क्वालिटी वगैरह है। और दोस्तों फोन की ऑल ओवर जो क्वालिटी के हिसाब से ये फोन तो अच्छा ही है। बट दोस्तों एक चीज़ Xiaomi और अभी के जो भी फोन मिल रहे हैं उन सब में एक चीज़ हमें प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम फोन परचेस करते हैं तो आप लोगों को जो ईयरफोन वगैरह है वो ईयरफोन दिया गया नहीं होता है, वो चीज़ कुछ इसमें बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों सभी फ़ोन में जो ईयरफोन नहीं दिया गया है तो आपको ईयरफोन बाहर से परचेस करना पड़ता है, और आप बहुत सारे ईयरफोन यूज़ करते हो तो आपका जो 3.5 का जो एम का जो जैक है वो कभी भी बिगड़ने का भी प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों कुछ इस तरह से ये फ़ोन आपको मिल जाता है। और दोस्तों इस फ़ोन में जो चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो जो यूनिवर्सल आप सभी फ़ोन में यूज़ कर रहे हो वही चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, और इसमें कुछ एक साइड माइक्रोफोन और एक साइड आपको स्पीकर, इसके हिसाब से ये फ़ोन मिल जाता है। कुछ मैंने ये फ़ोन सब यूज़ वगैरह करके देखा और सेटअप वगैरह करके देखा तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा फ़ोन मुझे लगा, और आप बाय कर सकते हो कम प्राइस में, ये फ़ोन अच्छा साबित हो सकता है। बस कुछ इस तरह से इस फ़ोन की जो साइज़ वगैरह से हिसाब से अच्छा फोन। तो सो और भी कोई प्रॉब्लम हो इस फ़ोन के बारे में, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो Xiaomi के फ़ोन के बारे में और परचेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो ये कुछ था Redmi Y2 का अनबॉक्सिंग, और दोस्तों ऐसे ही अनबॉक्सिंग मैं फ्यूचर में लाता रहूँगा। और प्रॉब्लम आता हो प्रोडक्ट बाय करने में कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं रिव्यू और प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग लाता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।